आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो एक्स आईआईटीएन हैं, वो डीआरडीओ की साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं, आईएएस में मेरी कोलीग हैं, मेरी बैचमेट हैं और उत्तराखंड में एमडीएनएचएम के पद पर तैनात हैं। तो मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उनका नाम है मिस सोनिका। सोनिका जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभजोत जी, और सभी को मेरा नमस्कार जो इस चैनल को देख रहे हैं। तो उसके बाद सिक्स से मैंने 12th तक जितनी भी मेरी स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा मुंबई से हुई है। मेरी पूरी स्कूलिंग ही केंद्रीय विद्यालय से हुई है, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने वहीं से, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी साइन में, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है मैथमेटिक्स में। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं आईआईटी दिल्ली आ गई। मैथमेटिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल यहाँ पे, और उसके कुछ दिनों बाद मेरा सिलेक्शन डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी हो गया, और मैंने दिल्ली में ही मेटकाफ हाउस में मेरी लैब थी साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, जिसमें क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काम होता था जो कि मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन में है। तो 5 साल मैंने टिल आई बिकेम साइंटिस्ट सी, मैं वहीं पे मैंने अपना काम किया 5 साल तक। 2010 में मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा, और 2010 में फिर स्ट्रगल एंड ऑल मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने वहीं मेरी प्रभजोत जी से भी मुलाकात हुई। ट्रेनिंग हमारी मसूरी में जैसे एकेडमी में हुई और मुझे उत्तराखंड काडर अलॉट हुआ। 2012 से मैं उत्तराखंड काडर में हूँ, और वेरियस बहुत अलग अलग तरह की पोस्टिंग्स हो गई हैं। फील्ड की पोस्टिंग हुई है, सचिवालय की पोस्टिंग हुई है, और 2012 से 2022 तक 10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे। और आज जैसे अभी बताया कि मैं अब हेल्थ में हूँ एमडीएनएचएम, और साथ ही साथ मैं सीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे, और जो कार्य मुझे दिए जा रहे हैं उनको मैं अपनी पूरी कैपेसिटी में करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, तो सोनिका जी, मैं भी पहले इसरो में रहा हूँ, तो लेकिन मेरे तो आप एनएचएम की कौन सी स्कीम, आपका जो वैसे तो बहुत सारी अम्ब्रेला ऑफ स्कीम्स हैं, नेशनल स्कीम्स हैं, फिर स्टेट स्कीम्स हैं, तो आपकी कौन सी स्कीम आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? जैसे मेरी पर्सनल स्कीम में अगर कहूँ तो मेरे को RBS के बड़ा अच्छा लगता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्योंकि वो पूरा लूप कम्प्लीट करता है आपको। रहता है रोटी में कांवड़ जब होती है तो एक अलग चैलेंज होता है, किसान आंदोलन हमारे अलग होते हैं, तो ओवरऑल जो पूरा एक्सपीरियंस था वो काफी चैलेंजिंग रहा रुड़की में। उसके बाद फिर मैं एसडीएम मसूरी भी रही, एडीएम रही मैं देहरादून में, सीडीओ मैं पौड़ी और हरिद्वार दो जगह रही थी, और उसके बाद फिर मेरे डीएम की पोस्टिंग डीएम टेहरी के रूप में हुई थी 2017 में, और 2.5 साल मैं वहां पे रही, और उसके बाद फिर मैं सचिवालय आ गई। और सचिवालय में इनिशियली मैं टूरिज्म विभाग देख रही थी, उसके बाद मुझे सिविल एविएशन विभाग दिया गया, और कुछ समय बाद फिर मैं मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन भी बन गई थी, और 2 साल हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, और सीएम ऑफिस की भी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट साल भर पूरा होने जा रहा है एडिशनल सेक्रेटरी। तो जी मेरी अगर मुझसे पूछा जाए मोस्ट चैलेंजिंग क्या रहा, तो एक तो जो रुड़की की पोस्टिंग थी, क्योंकि एकदम से आप आ गए, एकदम से जॉइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी आपको मिल गई, तो एक वो पोस्टिंग थी। लेकिन एनएचएम ज्वाइन करने के बाद जो कोविड की सेकेंड वेव देखी थी मैं, करते रहे, लेकिन जो मेजरली मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ जर्नी में रहा है कि मैं हमेशा ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट करती थी, अपनी मेहनत भी अगर मैं करती थी तो मेरे लिए, मैं अपने लिए बहुत ऑनेस्टली करती थी कि नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए मैं पढ़ने का काम नहीं करती थी कि 4 घंटे पढ़ लिया 9 घंटे पढ़ लिया। जी मुझे जब सेटिस्फेक्शन हो जाता था ऑनेस्टली कि हाँ भाई मैंने आज पढ़ लिया, वो थ्रेशोल्ड कब आएगा, वो चीज आपको कब मिलेगी, वो तो डेस्टिनी है, फेट है। लेकिन जो ऑनेस्टी से आप अपनी मेहनत करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कराते हैं ओवर अ पीरियड, हर जगह से लर्निंग होती है। मैं अगर फील्ड में भी आज की तारीख में जाती हूँ तो मैं पटवारी से, डेटा एंट्री ऑपरेटर से भी सीख के आती हूँ। आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, आपके टीचर से भी सीख सकते हैं, आपके यहाँ जो जो देख रेख करते हैं स्कूल का उससे भी सीख सकते हैं। कीप ऑन लर्निंग, और हमेशा अपने आप से सच्चे रहें। जब तक आप अपने आप से सच्चे नहीं रहेंगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन लेवल, आप कुछ भी अचीव कर लेंगे तो नहीं है। जी ये एक छोटी सी मिनट, चाहे कुछ भी एक तरह की एक्सरसाइज हो, चाहे योगा हो, चाहे जो कार्डियो हो, चाहे किसी भी तरह की एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और मैं, मेरा जो खान पान है, मतलब जो मैं, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मेरा खाना पोर्शंस बिल्कुल डिसाइडेड रहते हैं, मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर।
तो आई गे, अगर मेरा बहुत वजन बढ़ गया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लिटरली लॉस्ट अराउंड 35 kgs इन 1 ईयर। तो वो क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ कि मुझे 30 मिनट अपनी एक्सरसाइज करनी है, फिर मुझे लंच इस टाइम पे, डिनर इस टाइम पे, डिनर 7 बजे तक, 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाद होता है तो देन आई फील गिल्टी ऑल्सो। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर बॉडी। क्योंकि आज की तारीख में मैं तो हम तो हेल्थ देख रहे हैं, किस तरह से एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं, किस तरह से बर्डन बढ़ रहा है। हमको बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए हमारी हेल्थ के बारे में। जी, सोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं एक महिला आईएएस अधिकारी का, जो मेरे चैनल पे तो आप पहली अधिकारी हैं, पहली वीमेन हैं जिनका मैं इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत बहुत खुशी है। और आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभजोत, मुझे आप बुलाने के लिए, और किसी भी वे में मैं किसी किसी को भी मोटिवेट कर पाई हूँ उसके लिए थैंक यू सो मच टू यू। क्योंकि आप नहीं बुलाते तो हो सकता था मैं ना बता पाती ये सारी चीज। थैंक यू सो मच प्रभजोत, थैंक यू थैंक सोनिका जी, यू। नमस्कार, थैंक यू।